वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मीशू का बर्थडे और बहुत कुछ माइंड में आइडियाज़ चल रहे हैं, फोटोशूट आइडियाज़। मतलब गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ा टाइम उनको आने को, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ना फोटोशूट कर लूँगी, प्री बर्थडे फोटोशूट जो होता है वो कर लूँगी। तो वही दो तरह का हमने कपड़ा लिया है मीशू का, मतलब दो कॉस्ट्यूम लिया है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है और एक पर्पल एंड व्हाइट है। तो अलग अलग थीम टाइप का है, तो मैं दिखाऊंगी डेकोरेशन वगैरह कैसा मैं भी करूँगी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत कर लिया है मैंने, तो वो सब मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। और बहुत सारे बर्थडे विशेज आ रहे थे मीशो के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हाँ, मेरा 50,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गया है, तो उसके लिए भी विशेज आ रहे थे। और बहुत मतलब एक अजीब बात है कि जब जिस दिन ना मीशो का हुआ था, जिस दिन मीशो जन्म हुई थी 24 जनवरी को, उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और ठीक एक साल के बाद मेरा 50,000 सब्सक्राइबर हो गया है। तो ये जो जर्नी है ना यूट्यूब का, मुझे हमेशा याद रहेगा, यादगार रहेगा, क्योंकि मैं भूल ही नहीं सकती। मेरे चैनल का जो डे ऑफ मोनेटाइजेशन है और मीशू का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है। मैं हॉस्पिटल में थी, जस्ट मीशू आई थी मेरे पास, मतलब जस्ट बर्थ हुआ था उसका, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, एड्स आ रहे हैं चैनल पर। तो डबल धमाका, मतलब डबल खुशी का दिन था वो। तो मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ, जबकि मतलब मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे, फिर भी आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही मेरा साथ देते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ और ग्रो कर सकूँ। तो फिर ठीक है, आज का जो ब्लॉग है स्टार्ट करते हैं। और बहुत कुछ मेरे माइंड में आइडियाज़ चल रहे हैं फोटोशूट को लेकर, तो वो सब आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने के लिए मतलब बटरफ्लाई हो रहा है मेरे स्टमक के अंदर, ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए करते हैं, पता नहीं मैं कितना हद तक अच्छा कर पाऊंगी। तो आप लोग बताना कैसा लगा मीशो का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और हाँ, मैंने ये पहना है, ये ड्रेस पहन लिया जो मैं लेकर आई थी ना इंडिया से, ये वाला वही मैंने पहन लिया है। और ये ब्रेसलेट मैंने बोला था बर्थडे के दिन पहनूंगी, तो ये मैंने पहन लिया है। तो फिर ठीक है, चलिए मिशु को बस रेडी करना है, मैंने नहला दिया है उसे, बस उसे तैयार करना है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेलिब्रेशन। तो ये वाला ड्रेस पहन के मिशु बर्थडे का केक कट करेगी और केक स्मैश वगैरह करेगी। तो ये मिनी माउस ड्रेस हमने लिया है, क्योंकि मिनी माउस थीम है उसके बर्थडे का, और केक भी सेम ऑर्डर किया है हमने, मिनी माउस वाला केक आएगा उसके लिए। और यहाँ पर जो कपड़ा है ना, इससे फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कर रही हूँ फ़ोटोशूट के लिए, और देखिए मैंने थोड़ा तैयार कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोटोज़ निकाल लेंगे मिशू का। सेम कलर का मिक्स पर्पल एंड वाइट ड्रेस के साथ मैच करता हुआ यहाँ पे मैंने सेटअप किया है। और यहाँ पे वर है मिशू, मिशू सिट डाउन मिशू, बकेट बकेट, हाय मिशू बकेट। टी शर्ट में फर्स्ट बर्थडे मिशु का, हाँ कम पापा मम्मा, पापा से मम्मा। तो मैं यहाँ पर सेटअप कर रही हूँ, थोड़ा सा डेकोर कर रही हूँ इस एरिया को, काफ़ी ब्लैंक है। अलीना का रूम में फ़ोटोशूट हो गया, अब थोड़ा यहाँ पे करूँगी। तो ये अलीना का लहंगा का दुपट्टा था वो लगा दिया है, बलून का गुच्छा यहाँ पर लगा दिया है। और ये दुपट्टा एक्चुअली मेरे पास कोई कर्टेंस वगैरह नहीं था पिंक कलर का, तो मैंने इस तरह का लगा दिया है। स्टार प्रिंट है तो चल जाएगा, दूसरा प्रिंट होता तो नहीं लगा पाती। और यहाँ पर अमेज़न के बॉक्सेज है कुछ, मैंने अमेज़न से मंगाया है, तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर लेना। बाहर जाएंगे मिशु, हम लोग देखो तोड़ दी, बताओ तोड़ दी, सोचते कीजिए बदमाशी हो रहा है। नहीं है सर, मैं निकाल दिया तुम्हें। थैंक यू मिशु, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मिशु।
पापा कॉलिंग पापा पापा इज हियर पापा इज डूइंग डेकोरेशन फॉर यू पापा छे पापा छे गुजराती बात करती है पापा छे मम्मी वैसे कौन बात करती है पापा छे कौन बात पापा का है पापा का दांत देखो तो मैं हॉल में भी फोटो शूट करने वाली थी, अभी मिशु का ड्रेस वगैरह चेंज करना है, बट अभी टाइम हो गया सबके आने का तो अभी नहीं हो पाएगा, ये पार्टी ओवर होने के बाद में हम थोड़ा सा फोटो शूट कर लेंगे। तो ये गोल्डन एंड ब्लैक बलून ना ये लिविंग रूम में सजाना है हमें, ये इसके मिनी माउस का जो ड्रेस है ना उसके साथ मैच करता हुआ डेकोर लिया है हमने, गोल्डन एंड ब्लैक ये सब, और केक भी वैसे ही है मिशु का। तो बस मैं मिशु को तैयार कर दूंगी, उसके बाद तो गेस्ट वगैरह भी आ जाएंगे, उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। बच्चे सारे आ गए हैं, रिलेटिव्स भी आ गए हैं। जो आंटी बैठी है ना सोफे पे, एक्चुअली मेरी सासू माँ की यानी मेरी मदर इन लॉ की बड़ी सिस्टर है, और साथ में उनकी बेटी है वहाँ पे, और इनके हस्बैंड अभी कार पार्क कर रहे हैं, वो भी ऊपर आएंगे अभी, और बस हम अभी केक कट कर लेंगे थोड़ी देर में। आ जाओ सब आ जाओ।
सुन हल्का सा केक खिलाओ उसको, साइड से निकाल थोड़ा सा ऐसा साइड से, हाथ से निकाल ऐसे खिलाओ उसको, खिलाओ खिलाओ। ओह यम्मी मिशू, इज इट यम्मी? नहीं पता चलता नहीं हाथ में क्रीम को सबको मिला क्या केक बनाया फ्रेश हो गया और बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा और KFC ऑर्डर कर दिया था। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो सारे बच्चे खाते हैं, शौक से खाते हैं, तो यही हम ऑर्डर करते हैं अक्सर बर्थडे पर। और यहाँ पे गुड रिटर्न गिफ्ट्स जो है वो रेडी है बच्चों का, और यहाँ पर मैं थोड़ा फ़ोटो निकलवा रही थी मिशू के साथ। और मिशू को भी खाना खिलाना है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, बहुत टाइम हो गया, बट आज उसने बहुत कोऑपरेट किया, नहीं तो 8 मंथ्स बर्थडे सेलिब्रेशन में ना बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी। और सब खाना खा रहे हैं, बाकी जो रिलेटिव्स आए हैं, और मिशू को खिलाने के बाद हम भी खा लेंगे। और सब अभी जा चुके हैं सारे गेस्ट वगैरह और जो भी रिलेटिव्स आए थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा डेकोरेशन कर रही हूँ, थोड़ा सा फ़ोटो शूट करना है क्योंकि केक स्मैश वाला नहीं हुआ है मिशू का, वो एक रह गया है, तो मुझे वो करवाना है मिशू को, तो ये ड्रेस में वो केक स्मैश करेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डेकोरेशन कर दिया इस तरह से। गेस्ट सारे जा चुके हैं, सेलिब्रेशन हो गया है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ फर्स्ट बर्थडे मिशू का। जितना हो सका हम लोगों से उतना हमने किया, मतलब पूरी मैंने तो पूरी जान लगा दी, जितना मैं कर पाई थी मैं करने किया। आप लोग बताना कैसा लगा मिशू का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो फिर ठीक है, फिर अब मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, जा रही हूँ सोने और मिशू को भी नींद आ रही है। तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे से, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।